सुंदरनगर महिला मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष इंदु गोस्वामी के नेतृत्व में स्थानीय विधायक राकेश जम्वाल के संबोधन के साथ शुरू किया गया, जिसमें सबसे पहले पुलवामा में हुए शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई और इसके बाद मोदी सरकार को एक बार फिर सत्ता में लाने के लिए महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर भाजपा के प्रचार के लिए कार्य करने के लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया। इस मौके पर महिलाओं ने एक रैली का भी आयोजन किया, जिसमें भारी संख्या में महिलाओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। आज ये महिला मोर्चा संगठन की मीटिंग थी। हमने एक बूथ 5 महिलाएं ऐसा एक अभियान चलाया था और उसके बाद अब अभियान महिलाओं से अब ये बूथ स्तर की महिलाओं को हम लोगों ने यहाँ बुलाया और साथ में मीटिंग की, उनसे उनकी समीक्षा बैठक की और उसके बाद हम लोग मोदी जी के समर्थन में एक रैली करने वाले हैं। आपको पता है लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं और लगभग ऐसे कार्यक्रम हर विधानसभा में क्षेत्र में हम करने वाले हैं। अभी तो ये जन समर्थन रैली कर रहे हैं हम लोग और उसके बाद आने वाले टाइम में देखिए अगले महीने तक जो भी डेट तय होगी यहाँ बहुत बड़ा महिला सम्मेलन होने वाला है। ऐसे ही जितने भी 68 विधानसभा क्षेत्र हैं उनमें सब में इस तरीके के महिला सम्मेलन होंगे और मोदी जवान समर्थन रैलियाँ हम करने जा रहे हैं। उसी कड़ी में ये रैली है, दूसरा कार्यक्रम है। उससे पहले करसोग में बहुत बड़ा सम्मेलन महिला मोर्चा का हो चुका है, 2500 के करीब महिलाओं का सम्मेलन हुआ है और अब ये दूसरा कार्यक्रम है मोदी जन समर्थन रैली। और उसके बाद लगभग मार्च 2-3 मार्च से तो हम लोगों के हर विधानसभा क्षेत्र में ऐसे कार्यक्रम होने जा रहे हैं। के चैनल के लिए सुंदरनगर से विजय शर्मा की रिपोर्ट।